Next definition, students, oxidation number of central metal atom. क्या होती है? Definition क्या है? The charge of the complex if all the ligands, if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom is called oxidation number of central atom. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, अगर उन लिगेंड्स के शेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम से बाहर कर लेते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज या फिर जीरो चार्ज मिलेगा. मोस्टली पॉजिटिव चार्ज ही आपको आएगा, नेगेटिव नहीं, क्यों? मेटल और मेटल पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज. और इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से अगर लिगेंड के शेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो पॉजिटिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनेगा वही क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. अब इसके लिए हमें कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ लिगेंड्स के हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, क्योंकि अकेला तो निकल नहीं सकता. सो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे. ऑक्सीडेशन नंबर्स हम आपको बता रहे हैं -1 से -2 और 0, ये तीन ही आपके ज्यादा काम आएगी. -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो आपकी स्पीसीज देंगे वो क्या है, हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, नाइट्राइड, नाइट्रेट, साइनाडाइन, थायोसाइनाडाइन, एजाइडाइन एसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे जो एक लिगेंड्स के साथ या फिर एक काउंट्राइन में आपको मिलेंगे. ठीक है, ये हमने वहां भी पढ़े थे जब हम एग्जाम्पल्स ले रहे थे मोनोडेंटेड लिगेंड्स में, ये वही एग्जाम्पल्स, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स. -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने आपकी स्पीसीज होंगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये यूज करनी पड़ेगी जब हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ऑक्सीलेट, जिसे एब्रिविएशन फॉर्म हम OX में लिखते हैं, कार्बोनेट एसेट्रा. इसी तरह हमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नॉलेज होनी चाहिए, किन किन की होगी, तो कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा H2O, इथेन 1,2-diamine, PPS3, ट्राइफेनिल फॉस्फिन, PY, पिरिडिन, NH3 एसेट्रा. ये सारे आपके हमें यूज होंगी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को निकालना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और वैसे निकालते निकालते आपको याद भी जाएगी. तो देखिए एग्जाम्पल लिखे से फाउंड आउट, नाउ एग्जाम्पल लेके हमें फाइंड आउट करते हैं. एग्जाम्पल लिया हमने K4 Fe Cn6, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, आयरन. अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम इसे एक्स मान लेते हैं. सबसे पहले हम काउंट्राइन को देखते हैं, काउंट्राइन कितने हैं, 4, और पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, याद नहीं है तो यहां से देख लो सर, इसके नंबर 1 है तो +1, वैसे में पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है. फिर प्लस करेंगे आगे, और आगे सेंट्रल मेटल एटम, इसे हम एक्स मान लेते हैं, प्रेडिक्ट लेट इज एक्स. उसके बाद हमने क्या किया, लिगेंड्स कितने आपके 6, इसके नंबर्स को क्या लिखा अपन ने, और CN का भी जस्ट आपको हमने बताया था कि CN पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज को हमने यहाँ रख दिया, ये लो. और आगे हम क्या करते हैं, =0. इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया +4 + x, और ये हो गया -1 = 0. सो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 6 - 2 = 0, और x इक्वल टू क्या जाएगा, +2. इट मीन्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन डेट इज Fe +2 positive. तो इसे लिखना कैसे है, इसे लिखा जाएगा इस तरह से, देखिए इधर Fe, या तो आप इसे इस तरह से लिखिए +2, या फिर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप और करके लिखेंगे Fe विद रोमन नंबर्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ब्रैकेट, ये इस तरह से. तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया है इस कंपाउंड का. और एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 CO(En)3Cl3. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमें कोबाल्ट जिसका सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. और आपके मैंने अपनी डेफिनेशन भी बताई थी कि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अगर लिगेंड्स के शेयर इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इसका
क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी जस्ट यही बताई थी कि सर द इलेक्ट्रॉन्स पेयर स्टेट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम, और अगर इसको निकाल लेते हैं हम, रिमूव कर ले, वी रिमूव फ्रॉम अलोंग विद द सेंट्रल। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। इसमें आगे चले, निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट का, इसको मान ले एक्स प्लस, फिर आगे चले थ्री, और ई एन क्या है, बाइडेंटेड लिखे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो, भी जस्ट हमने बताया था, जीरो लिख दिया, फिर आगे चले प्लस, और ये कितने हो गए थ्री, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया माइनस वन, ब्रैकेट में लिखा इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स सोल्व करते हैं, प्लस ये तो हो गया जीरो माइनस थ्री, सॉरी ये हो गया जीरो और माइनस थ्री क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री प्लस की थ्री। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गया कोबाल्ट का, या तो प्लस थ्री लिखोगे या और करके लिखोगे आप सी ओ ब्रैकेट लगा के और थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हो गया। देखो एक आयन का करके देखते हैं, नंबर थ्री, एक आयन लिया अपन ने एन आई सी एन फोर टू नेगेटिव। अब आयन का निकालना है तो देखिए सेंट्रल एटम कौन हो गया एन आई, इसको ले लिया एक्स, इसके बाद लिगेंड क्या हो गया चार, साइनाइड पे क्या चार्ज होता है माइनस एक्स, अब जो चार्ज होगा उसे हम इक्वल करके लिखेंगे माइनस टू, या फिर इधर करके लिख लो, बात एक ही बनता है, आप इधर करके लिखना चाहो तो इसको आप इधर करके लिख लो, इधर आप माइनस सॉरी आप उधर करके लिख लो तो भी बढ़िया, माइनस टू ना उधर लाए, इसको सोल्व करा तो एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू, और इधर गया तो माइनस की फोर प्लस फोर में हो जाएगी, तो कितना बच गया प्लस की टू। इट मीन्स निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या आ गया आपके पास, या तो एन आई को टू पॉजिटिव लिखेंगे या और करके क्या लिखेंगे एन आई और ब्रैकेट में करके टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, ये एग्जांपल हो गए कायन का, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अब लेते हैं इसमें जिसमें कॉम्प्लेक्स स्पेयर यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव दो, तो कैसे निकाला जाए देखिए। एग्जाम्पल नंबर फोर, यहां लिया अपन ने एन आई एच टू ओ फोर एंड जेड एन सी एन फोर। अब इस कंपाउंड में आपके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव और कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव दोनों दे रखी है। क्लियर, तो इसे लिखना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, दोनों का होगा वो एक्स, दोनों के एक ही आएगी, तो दोनों का हम क्या मान ले दो है सेंट्रल एटम इसमें, तो दोनों को हमने यहाँ एक्स किया, एक्स प्लस फोर एच टू ओ का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर प्लस करेंगे आगे चलेंगे फिर एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएंगे फोर, और इस पर आ जाएगा माइनस चार वन जीरो, दोनों के लिए क्या हो गया टू एक्स ये, और ये जीरो और माइनस की फोर इधर आ जाएगी आपकी इक्वल टू जीरो, सो टू एक्स इक्वल टू किया जाएगा प्लस फोर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस फोर डिवाइड विद टू इक्वल टू प्लस टू। इट मीन्स निकिल और जिंक दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सेम ही आएगा, तो हम लिख देंगे एन आई सेकेंड एंड जेड एन पे क्या जाएगा दो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का निकल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, देख लीजिए आराम से। सबसे पहले क्या किया हमने, दो सेंट्रल मेटल एटम है दोनों को अपन ने एक्स माना, तो एन आई को एक्स लिख दिया प्लस फोर लिगेंड थे चार लिख दिया, एच टू क्या है न्यूट्रल लिगेंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, फिर प्लस किया दूसरा सेंट्रल मेटल एटम एक्स है, फिर प्लस किया लिगेंड कितने हैं चार, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन इक्वल टू जीरो, पूरा सोल्व करके हमने देखा प्लस टू जो दोनों का है वो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइव, एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स एन थ्री। देखिए इसमें काउंटर आयन भी एफ ई है और सेंट्रल मेटल एटम भी क्या है इसमें एफ ई है, तो हमें कैसे पता लगे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हमें इसी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, हमने काउंटर आयन को लिखा है आगे लिए चार, और चार लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता, तो मैंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नंबर होंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नंबर होंगे, तो लिख दिए प्लस थ्री, फिर प्लस किया, अब क्या किया इसके नंबर्स को आगे लिए थ्री, और ये सेंट्रल एटम है इसको हमने एक्स लगा दिया, फिर प्लस किया आगे और फिर थ्री, और इसके लिगेंड्स का नंबर सिक्स है आगे लिया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है
इक्वल टू जीरो। अब क्या किया वापस देखिए, सबसे पहले हमने लिखा आयरन कितने हैं चार, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके इसके नंबर मिलेंगे थ्री, लिख दिया प्लस करके। फिर प्लस जिसको निकालना है सेंटर मेटल एटम एफ ही है, लेकिन इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है थ्री, तो थ्री आगे लिया और इसका एक्स लिया, फिर प्लस, फिर थ्री आगे लिया और सिक्स से मल्टीप्लाई किया, इसका माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सोल्व कर लो तो इसको कितना आ गया, ट्वेल्व प्लस थ्री एक्स माइनस की एटीन इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स इक्वल टू के थ्री एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स और ये माइनस की एटीन प्लस ट्वेल्व, तो इतना माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, सिक्स डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू प्लस टू, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस कंपाउंड में एफ ई पे दो। ओके नाउ अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जीरो भी आती है। देखिए एक एग्जाम्पल लिया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का, एफ ई सी ओ फाइव। तो देखिए इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आया, हमने इसको सेंटर मेटल एटम, इसको एक्स मान लिया, पांच लिगेंड है, सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, जीरो लिख दिया इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो बाई फाइव इक्वल टू जीरो, खत्म। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, एफ ई, और ये लिख देंगे जीरो। लो भैया कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एक और एक जीरो वाला निकाल दे जिसमें आपको जीरो के प्रॉब्लम है, तो एक और बता देते हैं आपको। देखिए एम एन ट्वाइस सी ओ टेन एक एग्जाम्पल, तो देखो उसमें क्या करना है, हमारे पास सेंटर मेटल एटम दो है तो दो आगे लगा देंगे, एक्स कर देंगे, प्लस टेन आगे दिया ये, और सी ओ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो होता है, क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स इक्वल टू क्या जाएगा जीरो, और एक्स इक्वल टू क्या जाएगा जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो। तो एम एन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। ओके नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन अभी बताते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। देखो वर्ड मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि होमोलेप्टिक का, होमो का मतलब क्या होता है एक, और लेप्टिक का मतलब क्या होता है आपके डोनार एटम या एक ही टाइप के लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और लेप्टिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन लिंकेज करने वाले। सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंटर मेटल एटम और आयन केवल एक ही टाइप के डोनर एटम से बाइंड होता है, यानी कि लिगेंड एक ही टाइप का हो दूसरा ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एक एग्जांपल दीजिए, देखिए NiH2O4Cl2, तो निकिल के पास जो लिगेंड है वो चार है और चारों ही H2 है, H2O के अलावा अगर कोई दूसरा लिगेंड आ जाता तो वो होमोलेप्टिक में नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और लेप्टिक का मतलब है लिगेंड, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो डिफरेंट लिगेंड से कंसिस्ट होता है उसे हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से बाइंड होता है उसे ही हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। देखिए CO H2O4 ENCl3, तो देखिए यहाँ आपके पास जो कोबाल्ट के साथ चार लिगेंड एक जैसे हैं, लेकिन आगे एक लिगेंड EN है, तो दोनों डिफरेंट लिगेंड हो गए, तो हमने बोला कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऐसे PtNH3 2CL2, तो प्लेटिनम के पास दो तो आपके NH3 हो गए और दो Cl हो गए, तो दोनों डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो ये भी हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट है।